So in this chapter, we'll discuss about whom were the viewers or what was the life, what were the challenges faced by the viewers, and what happens with the smelters, means the who make the weapons or such metallic item, metal item, and what happens with the factory owners in this chapter. So first, in this chapter, we'll discuss the craft and industries of India during British rule focus on the two industries only. So British were focuses only two industries, or that industries were cotton textile industries and steel industries. Cotton textile industries and steel industries. So the industrialization of Britain had close connection with the conquest of colonization of India. So you know what type of industries set up by the Britishers, so there was the close relation with the India. They set up such industries which demand was made by the rest of world, jiski bahut zyada product ki demand hoti thi, so such industries they set up inside India by the Britishers. In 18th century, that period was the industrialization period, kyunki many industries was set up in a world. और दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है बेटा पीरियड व्हेन द इंडस्ट्रीज वाज सेटअप इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द यूरोपियन नेशंस ये यूरोपियन नेशंस से स्टार्ट हुआ था एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम बट द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तो मोस्टली इट वॉज स्टार्टेड बाई द ब्रिटेन तो यू नो ब्रिटेन इज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड अब वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वाट की वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपेरिमेंट ऑल आर डन इन साइड द ब्रिटेन तो न्यू इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप इनोवेशन ऑफ द डिफरेंट मशीन्स स्टार्टेड इन साइड द तो यू नो ब्रिटेन इज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स द इंडस्ट्रीज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप इन साइड द ब्रिटेन तो यू नो ऑल द टाइम मैनचेस्टर वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन मैनचेस्टर एक सिटी है वहाँ पे जो बहुत फेमस है जैसे प्रेजेंट टाइम जापान में ओसाका है इन इंडिया देर इज द अहमदाबाद नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है डेट इज द अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान इज नोन एज द भीलवाड़ा तो विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज फॉर ए वास्ट मार्केट क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पॉपुलेटेड नेशन मतलब पॉपुलेशन वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी इंडिया की तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया मतलब फ्लड आना स्टार्ट हो गया जैसे इंडस्ट्रीज का सेटअप करना New businessmen started to set up the industries inside the India. So now we are going to start the first topic of this chapter, Indian textile and the world market. So what quality of Indian textile introduction are given in your history book? So around 1750, India was the world largest producer of cotton textile. During the 18th century, India was the largest producer of cotton textile. Later on, I will send the notes also here. जब ये chapter या तो tomorrow या today itself, I will send the notes. जो point में repeat कर रहा हूँ, okay? तो around the 18th century, India was the largest producer of the cotton textile. Indian textile was renowned both of its fine quality, known by the जो इंडियन टेक्सटाइल की क्या क्वालिटी थी वाई इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्यों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था बट बिकॉज इट वॉज डिमांडेड बाई द यूरोपियन नेशंस वाई इट वॉज डिमांड ड्यू टू द फाइन क्वालिटी ऑफ डेट एंड फाइन क्वालिटी एंड द ड्यू टू द कॉस्ट डेट वॉज फेमस ड्यू टू द क्वालिटी फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स बिगन बाइंग द इंडियन टेक्सटाइल फॉर ए सेल इन यूरोप देर वर मेनी ट्रेडर्स They purchase the cotton textile from India and sell into the Europe. So many traders during the 16th century came inside the India and purchase the cotton textile and sell into the European market. World
वर्ड्स जो होते हैं ना, यू नो नॉट अ वर्ल्ड, इट इज द वर्ड्स WORDS. तो आउ द वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, कैसे हमें कोई भी वर्ड्स जो होते हैं ना वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट इज रिलेटेड टू द क्लोथ्स. तो इंडियन टेक्सटाइल वर फेमस इन वेस्टर्न मार्केट अंडर द डिफरेंट नेम्स. अब व्हाट वर द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नेम इनसाइड द वेस्टर्न मार्केट, मतलब यूरोपियन मार्केट. वेस्टर्न मीन्स यूरोपियन मार्केट. तो इट इज नोन बाय द मसलिन, मतलब जो एंड कैलिको डेट फ्रॉम द कैलिकट, इट प्रोड्यूस इनसाइड द कैलकटा. मसलिन मीन्स द वी यूज द मफलर और सच टाइप ऑफ क्लॉथ, देयर वाज द स्कार्फ आल्सो. प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स आर नोन बाय द चिंट्स, जिनको प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स होते थे उनको चिंट्स कहा जाता है. डेरिव्ड फ्रॉम द चिंट, प्रोड्यूस इन द मोसलीपट्टनम. यू आर स्टड इन क्लास 7th, इट वॉज प्रोड्यूस इन द मोसलीपट्टनम, डेट वॉज द फेमस पोर्ट अर्लियर टाइम. टूडे देर इज नो सच सिटी. तो मोसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश. बंधनम इज द वेन वी सच स्कार्फ वी यूज इन साइड आर नेक ऑन अ नेक, डेट इज नोन एज द बंधना. बंधना मतलब बांधना. इट इज लाइक ए टाई जैसे, और उसका अभी यू नो लेटेस्ट फैशन इस टाइप से हम पहनते हैं टूडे भी, डेट इज नोन एज द बंधना. और लोकल लैंग्वेज इज नोन बाई द मफलर. तो प्रोड्यूस इन गुजरात एंड राजस्थान, वर ऑर्डर्ड इन बल्क, बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर होता था. तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथ, जैसे कि कुछ प्रिंटेड क्लॉथ है दिस आर नोन बाय द चिंट, और सम क्लॉथ आर नोन बाय द कैलिको डेट प्रोड्यूस बाय कैलकटा, सम आर नोन बाय द मसलिन जो फाइन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ. तो दिस आर द डिफरेंट नेम विच टेल अस हिस्ट्री, ये हमें हिस्ट्री बताते हैं कि विच टाइप ऑफ क्वालिटी क्लॉथ, विच टाइप ऑफ क्लॉथ, व्हाट आर द यूजेस. तो दिस तो फेमस व्यूज पैटर्न्स फॉर द सूरत अहमदाबाद, फेमस फॉर द व्यूअर्स. एंड अनदर वन इज द जामदानी, फेमस इन बेंगोल. जामदानी इज द कम्युनिटी विच प्रोड्यूस द या विच प्रोड्यूस द कॉटन टेक्सटाइल. तो इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. तो इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ये एक्ट, दिस इज नोन बाय द कैलिको एक्ट. 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इज मेक ए लॉ, और एक्ट मतलब कानून लॉ. तो दिस एक्ट इज नोन बाय द कैलिको एक्ट, द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट इन इंग्लैंड, मतलब वी कांट एक्सपोर्ट आर प्रोड्यूस और कॉटन इनसाइड द इंग्लैंड, दे हैव बीन इनसाइड द इंग्लैंड. अब दिस इज द नोन एज द कैलिको एक्ट. अब व्हाट इज द कैलिको एक्ट, मींस द वी कांट एक्सपोर्ट आर कॉटन टेक्सटाइल इनसाइड द ब्रिटेन, दैट इज नोन एज द कैलिको एक्ट. अब अर्लियर टाइम व्हेन ब्रिटेन बैंड द इंडियन टेक्सटाइल, दैट नोन एज द कैलिको एक्ट. अब टुडे देयर आर मेनी कंट्री व्हिच आर फॉलोइंग द सच पैटर्न. अब सच पैटर्न मींस व्हाट, कि जैसे ट्रेड शुड बी, there is no such barriers on the trade. barriers मतलब breaker, कि you know trade पे कोई भी barriers नहीं होनी चाहिए. जैसे कि demand की FDI, FDI means the foreign direct investment, means हर country को rights है कि वो किसी भी country में investment कर सके. लेकिन अभी आपको latest example बताता हूँ. you know in there was the conflict between the China and India. तो इंडिया हैज बैन द चाइनीज टॉयज, चाइनीज प्रोडक्ट. तो हमने भी तो चाइना से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट थे सब बैन कर दिए. तो एज इट हैपेंस इन द इंग्लैंड, क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लोकल व्यूअर्स, क्योंकि उनको अपने लोकल व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करना था. अगर यहाँ से बने हुआ प्रोडक्ट वहाँ चले जाएगा, सपोज बेटा हम बैन नहीं करें, सपोज किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट इनसाइड आर नेशन आ जाता है, तो आर लोकल ट्रेडर्स वर सर्वाइव. हमारे जो लोकल ट्रेडर्स है, लोकल प्रोड्यूसर्स है, लेबर है, दोज आर वर्किंग इनसाइड द वर्कशॉप और फैक्ट्रीज, तो हाउ दे विल सर्वाइव, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि अदर प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट द लेस कॉस्ट, जो कम कॉस्ट पे चीप कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है. तो वाई आर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट. तो दिस हैपेंस ड्यूरिंग डे. That's why the many countries make the barriers on the trade. So 1720,
that Calico Act was passed. What was the Calico Act? I will explain. Calico Act was the ban the Indian textile from inside the England. Indian designs were the imitated and printed England on white muslin plain and bliss Indian clothes. You know, new innovations were started. Spinning of jenny was invented by the John Kay in 1764. यानी जो व्हील जो होते हैं जिससे इनोवेशन स्टार्ट हुआ, स्टीम इंजन और मे बी जेनी स्टार्ट हुई, जिससे यू नो इफ यू सीन सत व्हील और उससे थ्रेड बनते हैं, थ्रेड टू क्लॉथ बनता है. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय द रिचर्ड इन 1786. तो इनोवेशन ऑफ द स्टीम इंजन आल्सो डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम 1786 और इट रेवोल्यूशन कॉटन टेक्सटाइल वीविंग. इससे एक रेवोल्यूशन आ गया क्योंकि अगले टाइम हैंडलूम्स यूज होते थे. हैंडलूम मीन्स द इफ यू सीन द इन एड जैसे हैंडलूम्स होते थे उनको हैंड से ऐसे करो लाइक दिस, उनको शिफ्ट करो फिर कॉटन शिफ्ट बनता था या थ्रेड बनते थे. बट वेन स्टीम इंजन वाज इनोवेटिव डेट मीन्स द ऑटोमेटिक स्टीम इंजन मशीन विल रन. तो इट वॉज द न्यू रेवोल्यूशन इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो दिस इज द टॉपिक टूडे वी आर डिस्कस इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट. नेक्स्ट टॉपिक इज फेमस व्यूअर्स सेंटर्स. तो विच वर द फेमस सेंटर्स ऑफ फॉर द व्यूअर्स. व्यूअर्स मतलब बुनकर, जहाँ पे दोज पर्सन हु मेक द क्लॉथ. तो बेंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कैलिकट, दिस फोर आर फेमस. बेंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कैलिकट, दिस फोर प्लेस वर द फेमस. हु आर द व्यूअर्स. अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है कि हु आर द व्यूअर्स. हम किनको व्यूअर्स कहेंगे. डब्ल्यू ई ए वी ई आर एस. व्यूअर्स बिलोंग टू द कम्युनिटी डेट स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड मीन दैट दे वर एक्सपर्ट. तो दे वर स्पेशलाइज्ड इन व्यूइंग द सच टांटी मीन्स द बेंगाल, जुलाका ऑफ द नॉर्थ इंडिया, केकुलार्स ऑफ द देवान साउथ इंडिया. तो दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ द व्यूअर्स. तो दीज आर द डिफरेंट व्यूअर्स which were famous in India. One is the Gujarat and the Bengal, Andhra Pradesh, Calicut, like this. So these were the viewers more the famous. And loops being the occupation associated with the provided the livelihood for the millions of Indian. Jo handlooms itne jyada Indian handlooms the kyunki India cotton textile was famous. Thoda sa chapter starting hai beta. इस टाइप से लेक्चर ही है. लेटर ऑन वी विल यूज द ब्लैक बोर्ड और ऑल द थिंग्स. शुरू में थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है. तो हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएट विद द प्रोवाइडेड द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियन ऑफ इंडियन. कितनों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था. अब ऐसे व्हाट वर द कॉजेस व्हाई इंडियन टेक्सटाइल वाज डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब वीक होना, डिक्रीज होना. इससे क्या रीजन्स थे कि इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन हुआ. ये क्वेश्चन भी है इन योर एक्सरसाइज. तो लिसन केयरफुली, 4 to 5 पॉइंट आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई इंडियन टेक्सटाइल वर डिक्लाइन. तो इंडियन टेक्सटाइल वर डिक्लाइन बिकॉज फर्स्ट पॉइंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड द टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इन मेनी वेज. Those development of cotton textile inside the Britain affected the production of India in many ways. What? First, by the beginning of the 19th century, English made cotton textile successfully outstayed Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. Starting of the 19th century, English made cotton textile successfully accepted by. यानी अर्लियर दो वी वर सोल्ड आर प्रोडक्ट इन अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप. बट वेन इनोवेशंस वाज स्टार्टेड इनसाइड द इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सेप्टेड बाय अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. देन व्हाट हैपेंस इफ दे एक्सेप्टेड द ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल, तो आर प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज. सिंपल, हमारे प्रोडक्शन या हमारे कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड नहीं होगी. When a demand नहीं होगी तो इंडियन टेक्सटाइल विल बी डिक्लाइन. इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप द बाइंग इंडियन गुड्स. मैनी इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी दे स्टॉप द बाइंग ऑफ द इंडियन गुड्स. इंडियन गुड्स को परचेस करना बंद कर दिया उन्होंने. रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज नहीं करते थे. जब when you they purchase the raw material तो they will make the product.
when they make the product, they will sell in the other market, तो ये profit होगा. But there were many company, European nations, उन्होंने जब उन्हीं के country में, क्योंकि why they transport cost क्यों pay करेंगे? Europe से India आना ship से, and there is the lot of transport cost are required. तो when textile is available in European market, तो why they should visit the Asia continent? That's why they were not buying the Indian goods. That's why the Indian textile was decreased. By the 1830, British cotton cloth flooded Indian market. जब वहां पे innovation हुआ तो उसकी cost कम हो गई. अब cost कम कैसे होती बेटा? Listen one minute. ये take it. Suppose this is the mask. अब this mask made by the hand, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, तो it will take the 2 or 1 hour maybe. तो during the day I am able to make the only 50 masks. Just example. या 1 hour ले रहा है तो it can't possible कि हम 50 बना ले. चलो ओके, 1 hour ले रहा है तो पूरे दिन में suppose I am able to make the 10 masks. 10 masks मैं बना सकता हूँ दिन भर में. Due to the my hand or maybe the through my skill or जो भी एक्सपीरियंस है. अब वेन इनोवेशन होता है और ऐसी मशीन आती है जो क्लोथ और मे बी ड्यू टू द हेल्प ऑफ द मशीन, तो जब वेन इनोवेशन होता है और मशीन आएगी तो दे एबल टू मेक द लॉट ऑफ मास्क विद इन द डे. यानी जब कोई भी इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. अब मैं पहले 10 बना रहा था तो मार्केट में 10 सप्लाई हो रहे थे, बट वेन ड्यू टू द मशीन अब 1 day में 1000 ऑफ मास्क बनना स्टार्ट हो जाएंगे. तो जब इतने मास्क, इतना कॉस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा इनसाइड द इंग्लैंड, तो इट विल बी सोल्ड आउट इन अदर नेशन. प्राइसेज विल बी डिक्रीज, प्राइसेज कम रखी जाएगी. और प्राइसेज जब कम रखी जाएगी तो इंडियन मार्केट में यू नो ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल का जैसे फ्लड आता है चारों तरफ, ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल दिखाए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट व्हेन वी परचेस एनी प्रोडक्ट, आप कोई भी मोबाइल, एनी मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन कुछ भी परचेस करो, आई होप 80-90% कंपनीज आर चाइनीज, फिर भी वी आर परचेसिंग और नॉट. हम बताते हैं कि दिस इज द नॉट मोबाइल, बेस्ट क्वालिटी मोबाइल, इट आल्सो मैन्युफैक्चर बाय द चाइना, ये भी चाइना का है. Oppo China, Realme China, there are lot of laptop companies are from China. तो एक फ्लड नहीं आ रहा क्या? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द चाइना, मैं क्रिटिसिजम वाली बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि इसको हम कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसे चाइना का फ्लड आया हुआ है, यानी चाइना के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है आफ्टर बैरियर्स जब हमने बैन कर रखे उसके बाद, और विदाउट बैरियर्स व्हाट हैपन. तो दिस इज द फ्लड. जैसे इस टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अवेलेबल इन मार्केट, दोज आर मेड अप बाय या मेड इन चाइना, जो मेड अप बाय द चाइना या मेड इन चाइना है. तो एट इट अले टाइम जो क्लोथ जितने भी दिखते थे मोस्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल दिखते थे. तो फॉर दिस सिनेरियो वी कैन यूटिलाइज द फ्लड वर्ड. तो यू नो इंडिया वॉज फ्लडेड बाय द ब्रिटिश क्लोज. तो लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, तो डिक्लाइन ऑफ बाय 1830 वी हैव डिस्कस कि दैट वाज द फ्लडेड बाय द इंडियन, एंड बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट वी हैव डिस्कस. थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन्स मेड ए लिविंग ऑफ स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर्क इन अ जॉबलेस. यानी दोज पीपल हु वर वर्किंग इन हैंडलूम्स, वुमेन, मैन, तो दोज हु वर वर्किंग फॉर इन साइड द हैंडलूम्स और गेटिंग द वेजेस और जॉब, तो दे वर जॉबलेस, उनकी जॉब चली गई क्योंकि उनकी क्लोथ की जब डिमांड नहीं होगी तो क्यों. अब टुडे जैसे दोज कंपनीज हु आर मेकिंग सिंपल कीपैड मोबाइल, लाइक ए कीपैड सिंपल मोबाइल जो होता है कीपैड वाला सिंपल मोबाइल, तो देर इज नो सच डिमांड, वो इंडस्ट्रीज क्या होगी, बंद हो जाएगी जब डिमांड ही नहीं होगी. तो आज के टाइम में क्या चल रहा है, एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन मोबाइल, तो वो कंपनीज रन करेगी. तो व्हेन सच क्लोज आने लगा है और यू नो ब्रिटिश क्लोज, तो ड्यू टू डेट मेनी हैंडलूम दोज पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द हैंडलूम्स दे वर जॉबलेस, उनकी जॉब चली गई, डेट वॉज द मेजर प्रॉब्लम.
तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बॉयकॉट द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया कि वी शुड बी बॉयकॉट द फॉरेन प्रोडक्ट, हमें फॉरेन प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है, कोई भी वी विल नॉट परचेज द एनी फॉरेन प्रोडक्ट। तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, इम्पोर्ट ऑफ द टेक्सटाइल एंड यूज द हैंडमेड टेक्सटाइल, हमें हैंडमेड टेक्सटाइल यूज करना चाहिए, डेट इज आर खादी। तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी और खादी बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। जैसे खादी आज पॉलिटिकल लीडर पहनते, बाकी बहुत रेयर केस पहनते, तो खादी बिकेम ए यू नो नेशनलिज्म सिंबल बन गया कि जो खादी पहनेगा ई रिप्रेजेंट द नेशंस। ओके, तो दिस वॉज स्टार्टेड बाई द महात्मा गांधी, बट देर वॉज द मेन प्रॉब्लम कि खादी वॉज टू मच एक्सपेंसिव इन इंडिया, बहुत खर्चीली होती थी। क्योंकि अर्ली टाइम दोज हु वर यूज द खादी क्लो ना, तो डेट रिक्वायर्ड द लॉट ऑफ क्लॉथ, जैसे साड़ीज और इनमें धोतीज जो पहनते थे अर्ली टाइम, तो उनके लिए बहुत बड़ा क्लॉथ चाहिए था, और खादी जो होती थी वो कॉस्टली आती थी। तो देर वर मैनी पुअर पीपल, दे कांट परचेज द खादी, इसलिए वो खादी को परचेज नहीं कर पाते थे। तो डेटा वॉज आल्सो मेजर प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट, व्यूअर्स स्टार्ट वर्किंग इन एग्रीकल्चर लेबर्स, those people who are working inside the handlooms when they jobless, so they starting the work inside the agriculture laborers, mill workers, started the migration in search of job, dusri jagah shift hona start ho gaye. So these are the reasons we have discussed decline of the Indian textile. So till here, if you have any doubt, you may be asked, later on we will start the next topic. ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, आई विल सेंड द नोट्स आल्सो, ये नोट्स में भेज दूंगा, तो यू कैन रिवाइज द पॉइंट। कॉटन मिल कम अप, तो व्हेन अ कॉटन मिल वाज सेट अप, तो इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज द बॉम्बे। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो इंडस्ट्री सेटअप हुई इनसाइड द बॉम्बे 1854, बाय 1900 और 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग द बॉम्बे, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट डिडंट सपोर्ट द मिल। तो 1900 तक विद इन द 50 ईयर्स में 84 नई मिल सेटअप हो गई, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट प्रमोटेड द एनी कॉटन इंडस्ट्रीज बाय डिनाइंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि अगर हम यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे इनसाइड इंडिया, तो नो वन विल परचेज द ब्रिटिश टेक्सटाइल, कोई भी ब्रिटिश टेक्सटाइल मतलब ब्रिटिश कपड़े को परचेज नहीं करेगा। तो द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेन द टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन डिक्लाइन द इंडियन फैक्ट्रीज वर्क। अब क्या हुआ, वेन अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इनसाइड द यूरोप नेशंस, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ, तो वेन अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द यूके, जर्मन, फ्रांस, स्पेन and the Russia and USA also, USA ने later on join किया था। तो when a first world war start, तो England engaged with the first world war, England का ध्यान किधर चला गया, first world war में चला गया, तो वो इधर production नहीं कर पाया, किसका, cotton का। उसकी जगह production क्या हो रहा था England में, military weapons का production हो रहा था, हथियारों का, military weapons, okay। तो when a production started for a military, तो देयर टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइन। तो उस समय बॉम्बे में कुछ न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, किसकी, कॉटन टेक्सटाइल की। तो दिस इज द टॉपिक टुडे वी हैव डिस्कस कि व्हेन फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन 1854 कहाँ हुई, इन बॉम्बे, और 19 सेंचुरी तक जाते जाते कितनी हो गई, 84, पर ब्रिटिश नॉट प्रमोटेड एनी वन इंडस्ट्रीज, वाई, बिकॉज they were worried about that ki if you promote the cotton textile industries, so who will purchase our product. So these are the topic today we have discussed here. Tomorrow we will discuss about the steel industries. Thank you, have a good day.